हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है, जो आपका चैप्टर है जुडिशरी, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन या फिर आप कह सकते हो इजी समरी देखने वाले हैं, और आपको नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप क्लास 11 ESP सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जुडिशरी होता क्या है। तो आपको पता है, एक आपकी लेजिस्लेचर होती है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव होती है, और गवर्नमेंट का थर्ड जो पार्ट होता है वो जुडिशरी होता है। तो जुडिशरी का काम क्या होता है, आपको पता ही होगा कि अगर जो भी हमारे कंट्री के अंदर कानून होते हैं, लॉज होते हैं, कोई उसको ब्रेक करता है, कोई अगर कानून तोड़ता है, तो उसको सजा सुनाने का काम जो है वो हमारी कोर्ट का होता है, जुडिशरी का होता है, कि उसको कितनी सजा होगी, क्या सजा होगी। तो ये हमारा जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो हमारा देश जो है वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, यानी कि कानून का शासन होता है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे कानून की नजर में सब बराबर है, लॉ यानी कि सबसे ऊपर हमारा कानून है, फिर चाहे कोई नेता हो या कोई आम आदमी हो, सभी के लिए लॉज जो है वो इक्वल है। जुडिशरी हमारे राइट्स को बचाती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। और अब हम आगे ये देखेंगे, जो जज होते हैं कोई भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो कैसे होते हैं, वो कौन बनता है। तो अगर जज अपॉइंट होना है तो एक पर्सन को एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर पहले तो, एंड मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ, लॉ उसको अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। एंड जजिस का एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, उनको चुना जाता है एक फिक्स टाइम के लिए, और जब तक वो रिटायर नहीं होते, जब तक वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस अगर आ जाते हैं तो ऐसे में जजिस को हटाया जा सकता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट कैसे होता है जज का, ये मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन कैबिनेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी जो हैं ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये सभी इसमें शामिल हैं। कैसे, अगर आप चीफ जस्टिस की बात करो तो आप ये कह सकते हो कि माना जाता है कि जो मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को ही आप CJI चुनते हो, ठीक है। पर ऐसा दो बारी हमारे देश में ये जो ये है ये इसको तोड़ा गया है इस चीज को, कि मतलब ऐसा हुआ था बहुत बारी कि सीनियर ना होते हुए भी कई बारी वो कोई चीफ जस्टिस बन गया था। और वैसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजिस को, हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये अपॉइंटमेंट के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जुडिशरी का एक स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे देश में कितने तरीके के कोर्ट होते हैं। सबसे पहले आपका लोकल एरिया का एक सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है, ठीक है, छोटे लेवल पे होता है ये। फिर उससे ऊपर अगर आपको यहाँ से जो जो भी मतलब सुनवाई हुई है, नहीं हुई, तो आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। वहां से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हर स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट से भी अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो लास्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये सबसे सुप्रीम है, यानी कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वही फाइनल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, क्या उसके राइट्स होते हैं, क्या अधिकार हैं, क्या क्या वो काम करता है। तो उसका बेसिक काम ये होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। इसके अलावा जो सेंटर और स्टेट लेवल पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सेटल करता है। इसके अलावा बहुत सारे रिट्स होते हैं जो ये जारी करता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिट्स के बारे में राइट वाले चैप्टर में, जो हमने पढ़ा था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं। और इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर या फंडामेंटल राइट्स को लेकर, उन सभी में सुप्रीम कोर्ट ही काम करता है। इसके अलावा ये अपील के लिए सबसे सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि अपील लास्ट आप यहीं पे कर सकते हो, ठीक है। सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, सीरियस मैटर हो कोई भी, तो यहाँ पे लास्ट अपील यहीं पर ही होती है, ठीक है। और एडवाइजरी के लिए भी इसके पास कुछ जो है भाई राइट्स होते हैं, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइजरी दे सकता है ना, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो वो बता सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपको रिट्स के बारे में बता देता हूँ, मैंने ये पहले भी बता रखा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है, कुछ डायरेक्शंस देता है गवर्नमेंट को, जो कि स्पेशल ऑर्डर भी माने जाते हैं। जैसे सबसे पहला है हबीस कॉर्पस, इसमें क्या होता है, जिसको भी अरेस्ट किया है पुलिस ने,
उसको 24 आवर के अंदर अंदर कोर्ट के आगे पेश करना है। ये कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर होता है। दूसरा है यहाँ पे मैंडामस। ये रिट जो होता है ये कोर्ट इशू करता है जब किसी को लगता है कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस है, कोई सरकारी दफ्तर है, वो सही से अपना काम नहीं कर रहा है या फिर वो किसी के राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है। प्रोहिबिशन, ये क्या है? दिस राइट इज इशूड बाय हायर कोर्ट। मान लो कि कोई छोटी कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ये पिरामिड से, तो मान लो कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये कुछ ऐसा डिसीजन दे रही है जो इसके कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई ये जो है अपनी कैपेसिटी में रहो, जो आपकी जितनी पावर है उतना ही आप रहो, ठीक है? तो लोअर कोर्ट को आप कह सकते हो कि आप एक्सीड मत करो अपनी लिमिट्स को। फिर आता है को वोरंटो। अगर कोर्ट को लगता है कोई भी आदमी जो कोई सरकारी पोजीशन पर है और अगर वो सही नहीं लगता, वो काम कर रहा है जो, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है? और फिर है सर्टियोररी। इसका मतलब है कि कोई भी हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कह सकती है कि अपना केस मेरे इधर भेज दो। मान लो हाई कोर्ट है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है? तो कोई भी लोअर कोर्ट का जो केस है वो उसके ऊपर की कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है। हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब यही है, ये मैंने शायद आपको पीछे बता दिया है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जब हमारे देश के अंदर जो हमारी जुडिशरी है वो कुछ समय से काफी ज्यादा एक्टिव होने लगी है। और ये अगर मैं आपको बताऊं, आफ्टर 1979 टू 80, अब जो है PIL जो होती है वो लोग जो है यहाँ पे दायर करते हैं। और इसमें क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति को अगर डर लग रहा है किसी के, मतलब किसी के अगेंस्ट खड़ा होने में, तो ऐसे में कोई संगठन या कोई ग्रुप मिलकर उसके लिए PIL दायर कर सकता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसका सुनेगी जो भी मैटर होगा, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं कि अब और ज़्यादा जुडिशरी हमारी एक्टिव होने लगी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर पहले जुडिशरी हमारी नहीं बोलती थी, पर अब जुडिशरी हमारी बोलने लगी है। इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अब इससे जुडिशरी का वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ गया है। कभी कभी जुडिशरी जो है वो क्या करती है कि भाई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कामों में, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन है, करप्शन वगैरह के मामले हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले हैं, उसमें भी ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, इसमें भी कभी कभार जुडिशरी हमारी इंटरफेयर करती है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म यही है कि कुछ सालों से हमारी जुडिशरी एक्टिव हो रही है सोसाइटी का भला करने के लिए, सिटीजन्स का भला करने के लिए, और बहुत अच्छे से अब काम कर रही है, यही इसमें बताया जाता है। जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो हर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक काम करती है, उसकी एक पावर होती है, सेपरेशन होती है पावर्स की, बट फिर भी बहुत बारी क्या होता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आमने सामने आ ही जाती हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हो ही जाते हैं जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा था, इसके अलावा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, नहीं ये मुद्दा था, फंडामेंटल राइट्स का मुद्दा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है इसका मुद्दा है, लॉज रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन जॉब्स, बहुत सारे ये ऐसे वो टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत बारी एग्जीक्यूटिव और हमारी पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने हो जाती है, ठीक है? तो इनकी आपस में बनती नहीं है बहुत बारी, यही इसमें बताया गया है इन टॉपिक्स के ऊपर। ये कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उसने 1973 में एक डिसीजन दिया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, इवन पार्लियामेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो हमारा आधार है, जो हमारे जो संविधान को जो उसकी जो जो मूल जो भावना है, यानी कि जो उसकी मेन जो बेस है उसका, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। अमेंडमेंट करो बट बेस ना चेंज करो। तो ये है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता, अमेंडमेंट हो सकता है। और इसके अंदर कोर्ट जो है उसके पास पूरे राइट्स हैं कि कोई भी अगर ऐसा करेगा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप देख लेगी उसे। और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। देखो इसमें क्या है कि अगर कोई भी जज से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती, बट ऑन मैनी ओकेजन द कंडक्ट ऑफ जुडिशरी हैज बीन अपॉइंटेड आउट, बट बहुत बार ये हो भी जाता है डिस्कस भाई। सिमिलरली जुडिशरी जो है बहुत बारी क्रिटिसाइज करती है एग्जीक्यूटिव को, बहुत मामलों में बहुत बारी एग्जीक्यूटिव क्रिटिसाइज करती है जुडिशरी को, तो ये चलता रहता है। तो ये चैप्टर इतना ही था, मेनली इसमें यही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।